Tech Radio. बिहार के आया हम यहाँ, किसी का गुलाम ना है, किसी का दिया ना खाते हैं। अरे क्या बात हो रही, कुछ हमें भी बताओगी या नहीं? क्या बात हो गई? देखो क्या हाल करा हम दोनों बहनों का पीट पीट से उस कुत्ते ने। अरे किसने? साफ साफ बोल लो। साफ साफ ही बोल रहे हैं, थारे उस लाडले भाई ने। किसने? राजू ने? पर क्यों? पूजा ने हर्ष का सर फोड़ दिया, मैं उसे थोड़ा डांटने लगी, चढ़ गया मारे पे। अब इतनी हिम्मत हो गई इसकी? क्यों भाई इतना बड़ा पहलवान हो गया, अकब तू इन औरतों पे भी हाथ उठाओगा? अपनी ना बताई होगी इन्होंने, अक पूजा पे आज लो हमारे माँ बाप ने हाथ नहीं उठाया, हमने कभी अंगली नहीं लगाई, ये मारेंगे उसके। ये बड़ी है उससे और भाभी है उसकी, अगर मारे भी दिया से क्या आफत आगी? आफत क्यों ना आगी, ऐसे कैसे मार देंगे ये? अरे क्यों ना मारेंगे, ले हम मारेंगे इसके, देखा तू क्या करेगा। इन साड़ियों के कहने से निपटेगी या? अच्छा नहीं तो क्या करेगा तू? मैं कह रहा हूँ जाओ वहीं रुक जाओ, इसी में भलाई है। अरे तू इतना बड़ा सांड हो रहा आज, तुझे सुधार के लिए क्या बीज हो रहा तू? खेल के रखा मारा। माँ पिताजी देखो भैया लड़ रहे हैं। अरे नाले खटकाक नहीं हम हो रहे हैं, हट भाई, हट जा, हट जा, छोड़, हट हट जा। अरे तुमने तो बिल्कुल ही इज्जत का नाश कर दिया, लगा कि नहीं? अरे नाले आज हम तुझे सुधार के मन लगे। तुम तो बच्चे मत बनो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, कम से कम थारे से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इनकी कोई गलती नहीं खान साहब, हमारे घर में अगर कोई झगड़े की जड़ है तो यू है, न जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था यू। पता ना किसकी नजर लग गई इस घर को, इनकी ऊपर शांति आवेगी इस घर में, ऐसे शांति हो जाएगी इसके रहते इस घर में। अरे हम पिटेंगे इस पे, कुछ करता ना धरता, खाली रोटी खान का। हम ना रहेंगे एक मिनट भी इस घर में, हमारे पियर में कोई कमी ना है, ऐसे कुत्तों में नौकर भी ना रखे, यहाँ पिटना पड़ रहा है। अरे चुप हो जाओ बउवो, इब तो यू बतेरा पिट लिया और क्या चाहो तुम? तुम भी कुछ बोलोगे हमें ही बोलना पड़ेगा, या तो हम न्यारे होवेंगे और ना तो ना रहेंगे हम इस घर में। अगर थारे बस का न्यारा होना ना है तो हमें बता दो, हम चले जाएंगे इस घर से। बेटा हरी इन बहुओं को समझाओ, न्यारे होने की बात ना करें। पिताजी सही कह रही है, हमने बहुत सह लिया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, अब नहीं रहने के इसके साथ हम बिल्कुल भी। कुदरत की मुसीबत से उबर सकता है कोई घर, लुट जाने के बाद फिर से भर सकता है कोई घर, घर वाले ही बर्बाद करें जिस घर को, फिर कैसे दोबारा से संवर सकता है कोई घर। आज इसके सिर पे मैं ऐसी ईंट मारूंगी, अब जीवन भर याद रखेगा।
पहले ये लोग निकल जाएं, फिर मारूंगी इसे। रखे करने के चक्कर में है यो, पता नहीं क्या चाह रहा भाई। मुझे लगा वो लड़ना चाह रहा दिखा। हाँ अब क्या बात है? देख लो भाई, मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से एक बार और सोच लो। बंदी बुहारी बंदी ही हो। हाँ वो तो सही है खान साहब। कुछ सही ना है, अब हम उसके गैल नहीं रह सकते। अरे जब हम बोल ले तो चुप ही खड़ी रहो। अब बात बना है ना खान साहब, तुम बंटवारा करवाई दो। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, कीजिए भाई जान जो कुछ आपको करना है। भाई खान साहब करना के है, मारे दो यू घर है अरवा जमीन। और यह तो बात साफ होगी, घर को तीन हिस्सों में बांट लो और रही 6 बीघा जमीन और उसे 2-2 बीघा बांट लो। ये कैसा फैसला हुआ? 8 बीघा जमीन तो इनकी पढ़ाई में चली गई, उसका क्या होगा? हमें पढ़ाने के लिए जमीन बेची गई खान साहब, ये तो ठीक है, पर अगर राजू भी पढ़ता तो हम उसे रोकते क्या? अगर वो ना पढ़ा इसमें हमारी क्या गलती है? जमीन तो तीनों में बराबरी बटेगी, तुम कहते क्यों ना हो? इतने दिनों से ये दोनों कमा रहे हैं और सब खा रहे हैं, हमने तो ना कभी हिसाब मांगा। भाई राजू को भी तो बुलाओ, उसे भी तो बैठाओ इस बंटवारे में। और जब वो बैठने को तैयार ना है तो हम क्या करें? उसकी जगह हम बैठे हैं, कोई ना इंसाफी नहीं होने देंगे। और सारा गांव जाने 2 दाने मारे में ही है। और देखो भाई, साथे में जो कमाई होवे और खर्च होवे वो सब का होवे, और जो कुछ बच रहा है वो भी सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए अगर नहीं। और लाला जी इनका क्या होगा माँ बाप का? और इनका ये जिसके धोरे रहेंगे वो जिम्मेदार होगा। और छोरी का ब्याह? जिसपे जैसा बनेगा सब करेंगे, बाकी उसके माँ बाप बैठे हैं अभी। और बिल्कुल ठीक बात है। अरे ठीक तो कुछ भी ना है, पर करो भाईजान जो कुछ करना है आपको। अरे करने को अब है ही के, यू घर है इसके 3 हिस्से कर दो, जब जिसका ब्योत होगा अपना बना लेगा, तब तक ये दोनों ऊपर रह लेंगे और वो नीचे रह लेगा, डंगर ढोर सबके इकट्ठे बन जाएंगे। और रही जमीन की बात, भाई सब है पता है, 6 बीघे है, जैसा चाहो वैसे कर लो। और तुम? महारा के है खान साहब, हम भी पड़े रहेंगे किसी कोने में। और ब्याह होने तक वो छोरी किसके दौरे रहेगी? तय बूझ लो, तीनों भाई है उसके, मर्जी उसकी चाहे जा रहा लेगी वाह। अरे पूजा यहाँ बेटी। पूजा तो किसके दौरे रहेगी बता? मैं तो अपने भाई राजू के धोरे रहूंगी। और कुछ हो तो वो भी बता दो,
कदे बाद में फिर कोई बात आवे, फिर कोई बात नहीं आनी चाहिए। अमका पंचायत खत्म करो, कमाओ और खाओ, चलो। तिनका जोड़ के घोंसला एक बनाया, बच्चों की किलकारी से उसको फिर सजाया। लाचारी पर्वत ते भारी टूट गए सारे सपने, अपने घर के दीपक ने जब आशिया अपना जलाया, आशिया अपना जलाया। कितना गलत समझती थी मैं उसे, मैं क्या सोचती थी उसके बारे में, और वो क्या निकला जो घर को एक रखने के लिए इतना रो सकता है, अपने भाइयों के पैर पकड़ सकता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। वो बाहर से कितना भी कठोर लगे, लेकिन अंदर से उसका दिल बड़ा ही नर्म है। के बात हुई, क्यों चुप बैठे? ये बताऊं, न्यारे हुए 3-4 दिन हो गए, दिमाग में कुछ परेशानी सी बन रही है। मैं ये सोच रहा कि अब इस घर का होगा कि ना, तो राजू कमाता ना, हमारे पास इतनी जमीन, अब कैसे तू इस छोरी के हाथ पीड़े करेंगे, कैसे यू घर चलेगा, बस भगवान ही जाने। अब आया जीने का असली मजा, ना किसी की चिक चिक ना जिक जिक। लक्की, के बात है? दीदी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। रहने दो, भैया नाराज होंगे। तुम लोग मुझसे अब भी नाराज हो क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, और फिर मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अब मैं कान पकड़ू क्या? नहीं नहीं, तुम न्यू क्यों कह रही हो, इसकी जरूरत ना है। तो ठीक है, फिर मुझे अपने साथ काम करने दो। पूजा, मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी तेरे साथ खेत पे चलूं। तू रहने दे लक्ष्मी, देख सारा खाना तन्ने बनाया तो ठीक है, लेकिन तू साथ चलेगी तो भैया बहुत नाराज होंगे। कुछ नहीं होगा, मैं भी चलूंगी, प्लीज। ठीक है। आज पूजा क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा, एक काम कर, आज ये खाना मैं लेकर जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, भैया खाना भी नहीं खाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा,
पर तू ऐसा क्यों कर रही है? कुछ नहीं, नहीं मैं तो बस ऐसे ही। शायद ये भैया को चाहने लगी है, मुझे इसका साथ देना चाहिए, जो होगा भगवान मालिक। ठीक है तू चली जा, पर मैं अपने भैया को जानती हूँ। आपके लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी लाने की? मैंने सोच कैसे लिया मैं तेरी लाई हुई रोटी खाऊंगा? देखो मैं अपनी गलती की माफी पहले ही मांग चुकी हूँ और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग अच्छे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ मेरा मतलब है तुम्हारी बहन के साथ रहना अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, आपकी बहन तो उन्हीं की है जिन्होंने हमारा परिवार तोड़ दिया। मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहता। चले जाओ और मेरे सामने कभी मत आना। ओ भैया मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। आज के बाद हमेशा खाना लेके मैं आऊंगी। वो मैं इसको समझा रही थी कि भैया कितने गुस्से वाले हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहकर ऐसों की सोबत भी अच्छी नहीं होती। हाय राम, जब ये पैदा हुआ था मौसी जी ने ज्यादा हरी मिर्च खाई थी क्या? देख मैं कहती थी ना, मेरे भैया को मनाना इतना आसान नहीं। मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। इस लाड साहब को तो एक न एक दिन मानना ही पड़ेगा कि ये भी मुझे चाहता है। ये भी से मतलब तुम भी? पहले तुम मुझे अच्छी लगती थी, पर अब? अब क्या? अब तुम मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। पर डर इस बात का है कि मेरा भाई, उसे जो अच्छा नहीं लगता तो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। तू चिंता मत कर पूजा, अगर मेरी चाह सच्ची है तो मैं उसे जरूर मना लूंगी। पर मेरी गैर कानूनी भाभी, ऐसा होगा कैसे?